किसी की पगड़ी उतारना, दुपट्टा फेंकना, ये एक अच्छा कार्य नेता समाज इसे पसंद नहीं करता। बने की महिला सरपंच वो सिर्फ मांग ही कर रही थी, मुख्यमंत्री ने इतना ही कहना था कि जांच करवाएंगे। अभय चौटाला भी जो लगातार बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लगता है कि वो मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। बाकी के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनकी दूरी जो है वो क्यों दिखाई दी? शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरूका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूं खाजाखेड़ा गांव में। और खाजाखेड़ा में आपको बता दें कि बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह के द्वारा एक परियोजना का जो है उद्घाटन किया गया है। गौशाला के अंदर बात करें तो एक शेड के निर्माण के लिए जो है वो 2 लाख रुपये की सहयोग राशि जो है वो बिजली मंत्री के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर तस्वीरें देखिएगा कि उस शेड का उद्घाटन जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में खाजाखेड़ा में लोग जो है वो यहाँ पर मंत्री को समर्थन करने के लिए यहाँ पे जो है वो पहुंचे हुए हैं और कुछ अपनी मांगों को मनवाने की मांग को लेकर के भी पहुंचे हुए हैं। तो चलिए तमाम मुद्दों पे जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह जी से चर्चा करते हैं। चोर साहब, अगर बात करें तो खाजाखेड़ा में जो है वो आज जो है वो उद्घाटन किया गया। ये इलाके के कुछ 40 गाँव की जो गौशाला के सेवक है वो इकट्ठे हुए थे, जो गौशाला के प्रबंधन कमेटी कह दीजिए, और इन सब लोगों की कुछ डिमांड थी कि नई गौशाला स्टार्ट हो तो उसको 15 लाख रुपया दिया जाए। जितने गोवंश बाहर जो वो जिसे गाय राम गाय कहते हैं वो बाहर घूमती है उसे उठा के अंदर गौशाला में प्रबंध करा जाए, कुछ उनके शेड के लिए भी प्रबंध हो, चारे का भी प्रबंध हो, जो गांव से सहयोग मांगते हैं तो सरकार भी इनके, विधानसभा भी इन्हीं की संपत्ति है, तो ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ मदद मिले। मैं इन्हें बता रहा था कि हर साल मैंने दिया, अभी पिछले साल में मैंने 2 करोड़ कुछ लाख रुपया मेरे डिस्क्रिप्शनरी फंड से इन गौशाला को दिया है। हर साल 1.5-2 करोड़ रुपया मैं इन्हें देता हूँ। 30-40 गौशालाएँ हैं, इनकी कुछ सांझी मांगे थी जो पूरे सर से जिले की है, और मैंने इन्हें बताया भी मैं पूरे हरियाणा के सारे लोगों को, गर्ग साहब को मिलकर हम सीएम साहब से करेंगे। हमने ऑलरेडी सीएम साहब ने इस विधानसभा में अनाउंस कर दिया था 400 करोड़ रुपया गोवंश के लिए निकाला गया है, गौशालाओं के प्रबंधन के लिए। बाहर जो आवारा सांड बाहर फिरते हैं, गायें फिरती है, वो सड़क पर ना घूमें, उन्हें उठा के गौशाला में ले आए, उसके खर्चे के लिए बाकी दूसरा एक गाइडलाइंस तय करेंगे। वो 400 करोड़ रुपया केवल गौशालाओं के लिए मार्क करा गया है। अभी 400 करोड़ की आपने बात कही चोर साहब, तो लगातार गौशाला जो संचालक है उनका कहना है कि 400 करोड़ में जो सिरसा की गौशालाओं का जितना हिस्सा आता है वो हिस्सा उनको नहीं मिल पाता। नहीं, पूरे प्रदेश को मिलेगा, और पूरे प्रदेश में उसके लिए कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस तय होंगी, वो मुख्यमंत्री साहब तय करेंगे और सभी को दिया जाएगा। कभी ऐसा नहीं है कि सरसा को ना मिले, रोहतक को गुणा मिले, या करनाल को ज़्यादा मिले, या भिवानी को कम मिले, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई जिला है, वो जो हरियाणा के अंदर जो जिला है उस सभी जिलों में बराबर का पैसा दिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि गऊएँ गाँ कितनी है, ये तो एक पैरामीटर होगा। अगर एक जिले में 20,000 गायें हैं और एक जिले में 1,000 गायें हैं तो पैसा तो डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आएगा, वो देख के एक उसके लिए कुछ गाइडलाइन तय करके दिया जाएगा, पर उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को बराबर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय 3 दिन सिरसा जिला के अंदर रहे, हालांकि 2 विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए, 3 विधानसभा क्षेत्र में जा पाए, लेकिन जगह जगह पे जो है वो कहीं विरोध देखने को मिला, कहीं समर्थन देखने को मिला, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने जो है वो सैकड़ों करोड़ों रुपयों की सौगातें जो है वो सिरसा जिला को देने का काम किया है, तो इस विषय में आप क्या कुछ कहना? देखिए, विरोध करना, ये करना, ये तो एक डेमोक्रेसी में है, सब करते हैं, पर अगर रचनात्मक विरोध हो तो उसको सब सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, विधानसभा में भी होता है, पर अगर इंडिविजुअल अपने मतलब के लिए करे, जैसे हमारे 3 प्रोग्राम थे रानिया हल्के में, मैं इसी हल्के की बात कर रहा हूँ, ओटू में कुछ नहीं हुआ, संतरागढ़ में कुछ नहीं हुआ, आपने भी देखा सीएम साहब ने भी अपनी फेसबुक पर डाली थी, सबसे बड़ी भीड़ हमारे 3 हल्कों की थी, एक खाली बनी में सबसे ज़्यादा भीड़ थी, एक महिला ने जिसपे जिसके पति ने किसी को घर से उठा के बाहर मार के निकाला, उसे मारा, घर में जाके पिटाई करी, उस पर पुलिस का केस बना हुआ, अब का नहीं, वो 3 महीने पहले का केस है, सरपंच के लिए वो लड़ी थी, गांव के झगड़े थे, उस झगड़े में अगर कोई आदमी करेगा तो उसको तो सज़ा मिलेगी,
अब उस पर केस बनाया था, उसको उसने वहाँ उठाया। उन्होंने कहा कि नहीं, गांव के सरपंच आप एक मांग रखे, उन्होंने इज्जत दी, हालांकि विरोधी पक्ष के थे, इनेलो के थे, उसे मंच पे बिठाया और उसे कहा, फिर वो एक बात कह के दूसरी कहने लगे, वो कहने लगे नहीं मैंने एक बात का बोला है, एक मांग करें बाकी मैं दूसरे लोग करेंगे। और फिर जिद करके नहीं मुझे ये कहना है वो कहना है, मेरे पति का ये सरकार हमसे ये करिए, दुपट्टा फेंका वो किसी ने, उनके साथ आए लोगों ने भी उसे अच्छा नहीं समझा। हमारी जो परंपरा है, हमारे जो सामाजिक मापदंड है, उसमें इस तरीके की घटनाएं करना अच्छा नहीं लगता। किसी की पगड़ी उतारना, दुपट्टा फेंकना, ये एक अच्छा कार्य नहीं था, समाज इसे पसंद नहीं करता। उसके साथ आए सपोर्टर ने भी बाद में मीडिया से भी ये कहा कि अब बहुत बदकिस्मती की बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुख्यमंत्री आए उनसे पैसा लेना चाहिए था। पर उसके बाद भी सीएम साहब ने उस गाँव में 50 लाख रुपया अम्बेडकर भवन के लिए दिया, यहाँ इस इलाके के लिए 2 नहरें देखे गए हैं, जो घग्गर का पानी है उसके लिए 6 फुटा पाइपलाइन के सुल्तानपुरिया चैनल, और एक आपका ओटूर इसके दंदूर कत्वाबाड हबोली इन गाँव के लिए, वो एक 17 करोड़ का, एक 14 करोड़ का, 20 गाँव में घग्गर का पानी मिलेगा। ये बढ़िया काम, अच्छा पैसा दे, 181 करोड़ रुपये की सौगात सरसे जिले को देखे गए हैं। लेकिन बनी वाले मामले पे मैं अभी सवाल करने ही वाला था, लेकिन एक चर्चा चोर साहब ये भी चल रही है कि बनी की महिला सरपंच वो सिर्फ मांग ही कर रही थी, मुख्यमंत्री ने इतना ही कहना था कि जांच करवाएंगे, ये भी तो हो सकता था, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी इसमें घसीटा जा रहा है, और महिला सरपंच के लिए भी कहा जा रहा है कि ऐसा शोभा नहीं। स्टेज पर उन्हें इस करके बिठाया गया कि गाँव की सरपंच ने थी, स्टेज पर उन्हें ये करके बिठाया गया कि वो अपनी एक मांग रखें, और उसके पुराना जो सामने सरपंच था उसे नीचे रखा, केवल एक सरपंच को इजाज़त दी, और बाकी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, डीसी थे, एसपी थे, और मैं था, और एक वो आपके जो पहले रामचंद्र एमएलए वो थे, उसको इतनी बड़ी इज्जत दी गई, उसे अपनी लेनी चाहिए थी। इंडिविजुअल काम था, वो कह देते नीचे उतर देता, जहाँ चाय पीने गए वहाँ कहते, मंच पे और भीड़ में ये करने का मुद्दा नहीं था, दुपट्टा हुआ तो ड्रामा था, आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा हूँ, उसे वो सोच के आए थे कि मैंने ये करना है, नहीं करना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि राजनीति करने ना आए, उस पर अभय चौटाला भी जो लगातार बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लगता है कि वो मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। देखिए, कभी भी लोग जो जनता जनार्दन हो, जहाँ लोग चुने जाएँ, जहाँ डेमोक्रेसी हो, वहाँ कोई भी लोग, घर में भी किसी को मुखिया अपना ना समझ लोगों को नहीं चुनते, मुख्यमंत्री है, मैंडेट दिया है, लोगों ने दिया है, एक बार नहीं दूसरी बार दिया है, तीसरी बार फिर देंगे। मुख्य वो एक एमएलए बन के बह रहा है, बेकार की बातें, इन बातों में कुछ हुआ नहीं, कोई उसको बोलना चाहिए जिसकी कोई सुने, एक एमएलए को कौन सुनता है, कहीं कहने नहीं। हुडा साहब नहीं बोले इस प्रकरण पर, उन्होंने कहा कि नहीं ये अनफॉर्चुनेट था, उन्होंने बोलना, और इश्यूज़ बहुत है उसमें, मैं नहीं समझता इसमें कुछ दम है। मंत्री जी, इसमें अगर बात करें तो भाजपा नेता जो स्थानीय नेता थे कालांवाले में, जो बलकौर सिंह और सुनीता दुग्गल जी दिखाई दिए, उसके बाद डबवाले में जो है वो आदित्य चौटाला और सुनीता दुग्गल दिखाई दिए, रानिया में आप और रामचंद्र कंबोज जी दिखाई दिए, लेकिन बाकी के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी दूरी जो है वो क्यों दिखाई दी? नहीं, मैंने इस नज़र से नहीं देखा। पिछली बार बीजेपी से रामचंद्र कंबोज लड़े थे, वो मेरे साथ थे, तीनों जो सभाएँ थी, ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, किन किन को बुलाए हो गए, कालाणी डबवाड़ी की मुझे जानकारी नहीं कौन वहाँ थे या नहीं थे, ये तो उनका प्रोग्राम होता है, सीएम साहब जिनको मैसेज देते हैं वही लोग आते हैं, वही मंच पे होते हैं, बाकी भीड़ में कौन बैठा था ये किसी ने नहीं देखा। लगातार लोग जो है वो, एक चर्चा और भी चल रही है कि मुख्यमंत्री जी जो ये हेल्थ कार्ड बना रहे थे, आयुष्मान कार्ड बना रहे थे, फ्री में हमने ये दे दिया, और फ्री में जो स्कीमें मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई थी उनका गुणगान करने आए, लेकिन लोगों ने जब फ्री बिजली पानी मांग लिया तो मुख्यमंत्री कहने लगे कि ये फ्री की आदत मांगना छोड़ दो और कुछ कमाने लायक हम बनाए, ये सोच लेकर के हम चले हैं। तो जब सरकार फ्री देती है तब ये सोच क्यों नहीं होती? देखिए, एक बात आप मेरी सुने, कभी ऐसी दुकान चली है कि जिसमें रोज़ फ्री माल देते रहो, सुबह भी दे, शाम भी दे, अगले साल दे, अगले साल, वो फिर एक महीने चलेगी दुकान ही बंद हो जाएगी। देखिए, एक जिम्मेदार सरकार कोई भी है, कभी आज तक हुआ ही नहीं, कहीं वर्ल्ड में भी नहीं है। अमेरिका से भी अगर आप लोन लोगे तो आपको वापस देना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेंगे तो वापस देना पड़ेगा, कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, सर्टन क्राइटेरियाज मीट आउट करने होते हैं। वो ठीक कहते हैं कि जब हम बिजली, हम थर्मल में 5 रुपये यूनिट पैदा कर रहे हैं, उसके बाद 10 पैसे यूनिट किसान को दे रहे हैं, जितनी सब्सिडी, अब हमने 61,000 ट्यूबवेल अभी इसी साल में हमने देने करे, जो 19, 20, 21 में जिन लोगों ने बुक करवाए हैं उन सब का हम इसी एक साल में सब ट्यूबवेल दे देंगे। जितने सोलर के ट्यूबवेल हैं वो 31,000 हैं, 61,000 में, वो अगले 6 महीनों में हम लोगों को दे देंगे। तो हमें एक व्यवस्था को बढ़िया करना आना चाहिए, ये थोड़ा, ये तो गलत बातें हैं कि हम लोगों को गलत कहें कि हम आपका ये भी माफ़, तो फिर सरकार कहाँ से चलेगी। ये इतनी जनता को भूख बढ़ाओ, गलत बात करो, उस वो नारे लंबे नहीं चलते। केजरीवाल को प्रॉब्लम आ रही है,
उन्हें भी सरकार में दिक्कत आ रही है, पंजाब में दिक्कत आई है। अब पंजाब में बिजली 7 से 2 बजे चलती है, बाकी बंद कर दी, हमारे 24 घंटे चलेगी। ओटू की अगर बात करें चोर साहब, तो ओटू से जो है वो मिट्टी उठाने के लिए जो पहले रेट था 1000 रुपये, अब उसको 500 कर दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 500 में किसान जो मिट्टी उठा लें? देखिए, 1000 ज़्यादा लग रहा था, किसान आए नहीं थे, इस करके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसे 500 कर दो, 500 में उठाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, इस मिट्टी का लाभ बढ़ाएगी। अगर 1 एकड़ में आप डालेंगे, आप 20 ट्रालियाँ डालेंगी, 20 ट्रालियों की कॉस्ट आपकी जो है टोटल 10,000 रुपये आएगी। आप ये समझे कि एक ही फसल में आपको 10,000 रुपये का फायदा होगा। इस मिट्टी से ज़मीन बन जाती है। हर आदमी आजकल पढ़े लिखे लगे हैं, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, हर बच्चे को समझते हैं कि इस खाद का, ये ट्रालियाँ खटाखट उठेंगे, मैं समझता हूँ बहुत लोग उठा के ले जाएंगे। बीमा क्लेम और फसली मुआवजा पे जो है वो मुख्यमंत्री जी कहीं पे भी जो है वो नहीं बोल पाए, क्योंकि मन की बात कर रहे थे तो उससे पहले सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी उपलब्धि कहेंगे, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से बयान आता है कि हमने सबसे ज़्यादा बीमा क्लेम सिरसा को दिया है, तो इस बार मुख्यमंत्री ने इससे दूरी क्यों बना के? देखिए, मैं आपसे बताऊँ, अब के जब ओले पड़े थे, मैं पहला आदमी जो अगले दिन सुबह 7 बजे खेतों में पहुँच गया था, पूरी बेल्ट में देखे जहाँ पड़े मैं सब जगह पहुँचा, और इस इलाके में मेरे ख्याल में 75% उसका मुआवजा लिख के भेजा गया जो पटवारी ने, और CM साहब ने तीनों मीटिंग में ये अनाउंस करा कि हम मई के महीने में आपका ये पैसा भेज देंगे। तो मई के तो अभी 10 दिन, अभी तो 13 दिन पड़े हैं, इसी महीने में ऐसा कहीं भी दुनिया में सिस्टम नहीं है। और मैं ये भी बताऊँ, अब तक मैं इस साल के नहीं कह रही, इस साल पंजाब वाले क्या करें, अब तक का पिछले रिकॉर्ड देखें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसान को मुआवजा दिया गया। मैं पैसे की राशि के हिसाब से बताऊं, सबसे ज़्यादा अमाउंट हरियाणा में दिया गया है। हरियाणा में ये तो चर्चा चल रही है कि बीमा क्लेम सिरसा में आया है, लेकिन मुआवजा सिरसा में ज़्यादा नहीं आया। बीमा मुआवजा सिर्फ 2 ही बार आया है, और वो भी एक बार का 2020 का, तो अभी तक बटा भी नहीं है किसानों को। सरकार ने जारी कर दिया नो डाउट, लेकिन अधिकारी अभी बांट नहीं रहे आगे। नहीं, देखिए उसका कई कारण होंगे, कहीं किसान ने अप्रोच नहीं करेगा या उस पर डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार नहीं होंगे, जब जो होगा उसे जब पैसा आ गया तो बटने को उन्हीं को मिलेगा, और को आप दे ही नहीं सकते, तो उसमें कोई रखने का ना रखने का मतलब ही नहीं है। इसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है, किसान की तरफ से भी हो सकता है, और मौके पे गया होगा सरकार में अधिकारी भी, किसी दिन उसको नहीं मिला हो, वो गया हो अगले दिन, तो ये हो जाएगा। पर मैं समझता हूँ सबका ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिजली के मुद्दे पे थोड़ी चर्चा करते हैं। बिजली के मुद्दे पे मुख्यमंत्री ने आपकी काफ़ी प्रशंसा भी की है कि जो लोस था वो 7% पे आ गया, और आने वाले समय में इसको 3-4% पे लेकर के आएंगे, तो आने वाले समय में जो है वो सही समय पे किसानों को जो है वो दिन के समय में बिजली मिले, या जो रेगुलर जो बिल भर रहे हैं उनको कोई सब्सिडी की या कोई छूट की संभावना? थोड़ा आपके सुनने में गलती रहेगी, उन्होंने बताया था 31% लाइन लॉस था, मतलब 100 में 69% लोग बिल भरते थे, 31 नहीं भरते थे। अब ये लाइन लॉस घट के 11% हो गया, 11% आता है तो 20% लाइन लॉस कम हो गया, 20% जब 1% लाइन लॉस कम होता है, उन्होंने यही बताया कि 300 करोड़ रुपया हमारा सरकार का बढ़ जाता है, तो हमारा 6000 करोड़ बढ़ गया। आज इस ज़माने में कोई सरकार अगर प्रॉफिट में डिपार्टमेंट आता है तो बहुत अचंभे की बात है। हमारा पहले 3700 करोड़ घाटे में था, आज हम 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में हमारा बिजली विभाग। हरियाणा में जितनी बिजली की बेहतर व्यवस्था है हिंदुस्तान में भी गुजरात छोड़ के कहीं नहीं है। पूरे देश में 47 गवर्नमेंट की डिस्कॉम कंपनीज हैं, जैसे हमारी 2 कंपनी है, उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। 47 में हम पहले 15वें 17वें पे थे, अब 5वें 6ठे पे हैं। पहली 4 कंपनी गुजरात की है, गुजरात के बाद हम नंबर 2 पे हैं। हमारी कंपनियों को A+ लगा है। आपके बच्चों में जब स्कूल का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, जिसका A+ हो तो मानो कि 95% से भी उसके बढ़िया मार्क्स हैं, तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, पूरी तरीके से तैयार हैं। कहीं बिजली की कितनी मई जून जुलाई गर्मी आए, हम 24 घंटे बिजली देंगे। चोर साहब, अगर बात करें तो किसानों की एक मांग थी कि दिन के समय में बिजली दे दी जाए, या एक साथ इकट्ठी बिजली दे दी जाए, जो कट लगा लगा करके देते हैं, 2 घंटे कभी देते हैं, 5 घंटे एक साथ चलती है, तो वो इकट्ठी अगर दे दी जाए तो किसान के वो काम आ जाएगी, और जो निरंतर रेगुलर जो बिल भर रहे हैं उनको कोई प्रोत्साहन देने का काम डिपार्टमेंट के द्वारा आ गया? देखिए, हम जो पूरा रोटेशन है उसे 24 घंटे में 8-8 घंटे बांट रहे हैं, दिन रात का अगर देखें तो 24 घंटे होता है, उस 24 घंटे में 8-8 घंटे का एक रोटेशन बनाया है जी। जिनको दिन में मिलेगा अगली बार उन्हें रात को आ जाएगा, जिनको रात को है उन्हें अगली बार दिन में आ जाएगा, ऐसे हमें ये बार बार घुमाना पड़ता है। पर फिर भी किसानों को सर्दियों में बहुत दिक्कत आती है कि रात को जब दिसंबर जनवरी में पानी लगाने जाए तो उसको बहुत दिक्कत आती थी। हमने अब ये सोचा है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जितने ट्यूबवेल्स हैं उसे ऑन करें, हम सोलर पे ला रहे हैं, उससे ये हो जाएगा सोलर पे बहुत बड़े। अब हम इस वक्त भी 31,000 कनेक्शन देंगे इसी अगले 1 साल में,
तो उसमें ये हो जाएगा किसान को पानी एक तो सामने देखने में पता लग जाएगा कि सब जगह बराबर जा रहा है, दूसरा रात को ठंड में नहीं जाना पड़ेगा। हमें बिजली 3 रुपये यूनिट कॉस्ट करेगी, तो हमारा जो 8 रुपये हम लेते हैं वो रात को, क्योंकि रात को जो 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सब लोग चलाते हैं, जब तक AC ऑन रहते हैं, फैक्ट्री ऑन रहती है, सब हीटर वो AC चलते हैं, और सारे घरों में बिजली 10 बजे के बाद तो बिजली ऑफ करने लग जाते हैं लोग। सबसे ज़्यादा उस वक्त हैवी सबसे महंगी बिजली तब आती है, तो हम चाह रहे हैं कि दिन में किसान को दी जाए, ताकि ऐसे करेंगे तो हमारा 1 लाख ट्यूबवेल दिन में चलेगा, जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। आने वाले समय को लेकर के क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री यहाँ पे दौरा करके गए, पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो जनसंवाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को मिलेगा? देखिए पहली बार होता है, अब मैं अगर इस मई जून के महीने में इनके बीच में बैठा तो मुझे फ़ायदा तो मिल रहा है ना जी। जब स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर आके गाँव में बैठे, आपने देखा अभी 2 दिन पहले की बात है, गर्मी तो इतनी थी, अगर वो ऑटो में बैठे हैं, बनी में बैठे हैं, संतनगर में बैठे हैं, 3,000 लोगों के बीच में बैठे हैं, सामने पूछ रहे हैं भाई फैमिली पहचान पत्र बताओ कितने लोगों के, हाथ खड़े करो, जिनके नहीं बने वो खड़े करो, हॉस्पिटल में कोई बीमार हुआ है जिसको गरीब आदमी था, SC कैटेगरी में आता था, इलाज कराने गया कोई ऐसा है जो इलाज करा के है तो लोगों ने हाथ खड़े, कोई महिलाएं भी खड़ी हुई कि जी मेरा 2 लाख रुपया सरकार ने दिया, इन बातों का फ़ायदा मिलता है। हर लोगों को मुख्यमंत्री से बात करने का मौका मिलता है, मुख्यमंत्री निवास तो हर आदमी जा नहीं सकता, ना सेक्रेटरीट में जा सकता, तो ये एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि लोगों में जागृति आए, लोग खुल के होके सवाल पूछ रहे, उसमें बीच में हम भी नहीं थे, ना DC था, ना SP था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सीधा चीफ मिनिस्टर से सीधा संवाद हो रहा था, बहुत अच्छी परंपरा। मैं कहता हूँ इससे एक हेल्दी डिस्कशन होती है, लोगों में हौसला बढ़ता है, उनमें जागरूकता बढ़ती है। इसको लेकर के भी चोर साहब एक आखिरी सवाल करूंगा, इसको लेकर के भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग थे जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको आगे आगे बिठा दिया जाता और जब पूछते तो वो जो है वो सरकार का गुणगान करने लग जाते हैं। देखिए मैं नहीं मानता, आप भी इस इलाके को जानते हैं, कहाँ सब लोग बैठे थे, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, कई जगह तो ऐसे बैठे थे, मैं आपको ऑटो में बता रहा हूँ, एक महिला थी खारिया गाँव की, उसे फिट भी आ गया था, फिर भी उठ के उसका ट्रैक्टर ट्राली का मामला था, CM साहब ने उसे कह दिया था तेरा हो जाएगा, SP के जुम्मे लगा देते हैं, किसी ने उसे ले लिया, पेमेंट नहीं दे रहे थे। उसके बाद वो महिला फिर खड़ी होकर स्टेज पे, अगर आगे BJP के होते तो वो ऐसे क्यों करती, ये बेकार की बातें हैं, जिन लोगों पर कुछ नहीं होती कहने का, आम जनता थी, गाँव के लोग थे, जैसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई कह दे कि ये BJP के लोग हैं या लोकदल के हैं या कांग्रेस के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी पार्टीज के हैं, ये भाईचारा का मामला है, गौशाला का है, सेवा का मामला है, मैं भी करने आया हूँ, ये भी करने आए हैं, मुख्यमंत्री सब लोगों की सुनने आए थे, उनके सामने सब लोग थे। अगर आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आप ही खुद कह रहे हैं सरपंच ने बराबर उनके बैठी थी, कुर्सी लगी थी, किसी की भी नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर भी ऊपर नहीं था। ये तो मनगढ़ंत बातें, अपनी अपनी बात को अपने तरीके से घुमाने की बातें, सरकार के सामने सब बराबर होते हैं। शुक्रिया चोर साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे चौधरी रंजीत सिंह से इस मुलाकात को लेकर के, इस बातचीत को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।